हेलो दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग क्लब। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप अपने पौधों को पाइप से पानी किस तरीके से दे सकते हैं जिससे कि आप ज़्यादा थके भी ना और आप अपने सारे प्लांट्स को पानी दे सकें। थोड़े दिन पहले आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखी होगी कि उसमें हमने बताया था कि आप अगर हाथ से पानी देते हैं या पाइप से पानी देते हैं तो उससे क्या प्लांट को फ़ायदे या नुकसान है दोनों चीज़ों से। तो उसी से रिलेटेड ये बेस ये एक और अगली वीडियो है कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किसी डब्बे से या बोतल से पानी दे सकें क्योंकि आपके पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप पाइप से पानी देते हैं। तो पाइप से पानी देने में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक होता है कि एक तो आप थक बहुत जाते हैं, आपके प्लांट नीचे होते हैं, आपने अपने प्लांट अगर स्टैंड पे नहीं रखे हुए ज़मीन पे रखे हुए हैं तो आप झुक के पानी देंगे और झुकने से आपकी कमर जो है काफ़ी थक जाती है और जिसकी वजह से आपको थोड़ी ही देर में थकान होने लगती है और आप फिर जल्दी जल्दी में पानी देते हैं और प्लांट्स को सही से पानी नहीं दिया जाता। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड आपकी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको वो चीज़ जो हम बता रहे हैं स्टैंड पानी देने के लिए वो आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक लकड़ी लेनी है, लकड़ी की हाइट आपको कैसे डिसाइड करनी है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लकड़ी को हाथ में ले जैसे ऐसे जैसे मैंने ली हुई है उसके बाद आप देखना है कि आपको झुकना ना पड़े और आप और लकड़ी जो है ज़मीन को छू जाए। और अगर आप अंदाज़े की बात करते हैं तो अंदाज़े के हिसाब से आप नीचे अपने पैर के बिल्कुल साथ में लकड़ी को रखें और बिल्कुल देखें कि आपकी हिप्स के एंड तक ये आए, देखिए, या फिर कमर तक आप ले सकते हैं। बिल्कुल कमर पैर एकदम ज़मीन से लेके कमर तक जो है लकड़ी की हाइट होनी चाहिए। वो भी मेरे पास लकड़ी है उसकी हाइट है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये ऐसी दो सूतली या फिर दो रस्सी लेनी है। उसके बाद आप लकड़ी को ऐसे नीचे रखेंगे, फॉलो करते जाइए जैसे मैं करता जा रहा हूँ। लकड़ी को आप नीचे रखिए ऐसे और उसके बाद पाइप को उसके ऊपर लकड़ी के बराबर ऐसे रख लीजिए और जो पानी जहाँ से आप निकलेगा जो सिरा है उसको आप लकड़ी से लगभग 2-2.5 इंच आगे रखें और वहीं पर ही सबसे पहले खुलने वाली गांठ आप इस पाइप पे बांध लें जैसे मैं बांध रहा हूँ ऐसे करके। और आपको ये जो कनेक्टर है ये लगाए ना लगाए आपकी मर्ज़ी है, ये हमने इसलिए लगाया हुआ है कि थोड़ा सा पानी जो है वो प्रेशर से आता है। उसके बाद आपको इस पे अच्छे से लकड़ी पे टाइट बांध लेना है ये, और खुलने वाली गांठ नहीं बांधनी है, यहाँ पे टाइट गांठ बांधनी है एकदम बिल्कुल एकदम बराबर कर लीजिए। ये देखिए एक तरफ से बन गया है, दूसरी तरफ से आपको बिल्कुल एकदम जितना अच्छे से पाइप जो है स्ट्रेट हो सके, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट होने के बाद वही सेम चीज़ एक खुलने वाली गांठ आप लकड़ी की तरफ लगाइए जैसे मैं लगा रहा हूँ। और पाइप को एकदम सीधा करिए, अगर अब जो रस्सी है थोड़ी सी ज़्यादा पीछे है तो उसको थोड़ा सा आगे कर लें और इसको यहाँ पर अच्छे से टाइट करके बांध लीजिए। ये ऐसे बांध लिया आपने। उसके बाद आप देखिए ये आपको पाइप को नीचे से नहीं पकड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऐसे खड़े खड़े ही सीधा ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े पाइप को और सीधा आप ऐसे नीचे रखे किसी भी गमले को या क्यारी को पानी दे सकते हैं बिना किसी, आपको झुकना भी नहीं पड़ेगा, आपको थकान भी नहीं होगी। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, ये आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए कि अगर आप पानी पाइप से दे रहे हैं, पाइप से देने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपका टाइम कम है, प्लांट्स ज़्यादा हैं या कमर में तकलीफ़ है, तो कमर में तकलीफ़ जिनको होती है उनके लिए तो ये एक बेस्ट तरीका है कि इनको झुकना ना पड़े।
और वो अपने प्लांट्स को अच्छे से पानी दे सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी भी दोस्तों हमारे 98% जो यूज़र्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो में, जिसमें आपकी कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।